केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। बिहार के सुपौल जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित भीमनगर में तैनात बीएमपी 12वीं बटालियन में कोरोना ने दस्तक दे दी है। इंडो नेपाल सीमावर्ती बीएमपी 12वीं बटालियन में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। बीएमपी के 22 जवानों का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। सभी जवान इंडो नेपाल सीमा स्थित भीमनगर के 12वीं बटालियन के कैंप से जुड़े हैं। डॉक्टर ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए सभी 22 जवानों को वीरपुर एएनएम ट्रेनिंग सेंटर आइसोलेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनके संपर्क में आए अन्य जवानों की सैंपलिंग की जा रही है। साथ ही कैंप को संक्रमण मुक्त करने का काम भी जारी है। डॉक्टरों की देखरेख में उपचार किया जा रहा है। वहीं वीरपुर एएसपी रामानंद कौशल पुलिस दल बल के साथ भीमनगर बीएमपी 12वीं बटालियन पहुंचे जवानों को कोरोना से बचाव के तरीके बताए हैं और बीएमपी हेडक्वार्टर के मुख्य द्वार सहित आसपास के इलाके को सील करने की बात बताई है। सुपौल से आकाश कुमार की रिपोर्ट। जवान कुल 22 जवान पॉजिटिव पाए गए हैं, सब लोगों की देखरेख की जा रही है। सर आगे क्या किया जा रहा है सर उन लोगों के लिए? सर अब हम बीएमपी के जितने जवान बच गए हैं बीएमपी 12 में, उनके सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करवा करके उसका माने खास करके लक्षण टेम्परेचर, सर्दी खांसी, सांस लेने में तकलीफ, इन लोगों की सभी की जांच करके जो सिम्टोमेटिक केसेज होंगे उनकी जांच तत्परता से कर करके शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव का। जो पॉजिटिव होंगे उनको उनकी जो व्यवस्था है यहाँ की जाएगी। थैंक यू सर। अभी तक जो जांच में जितने पदाधिकारियों और सिपाहियों का गया था उसमें लगभग 22 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं और जिसके कारण यहाँ पर थोड़ा सा भय और अविश्वास का माहौल था, इसीलिए हम लोग आकर के यहाँ पर हिदायत बरतने हेतु संक्षिप्त रूप से ट्रेनिंग भी दिए हैं, समझाए भी हैं कि जो भी स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन का दिशा निर्देश है उसका 100% पालन करें हम लोग। और जो जवान हमारे बचे हुए हैं जिनमें कि इस तरह का कोई संक्रमण नहीं पाया गया है उनमें संक्रमण का खतरा नहीं फैले इसके लिए विशेष हिदायत दी गई है। क्या सर प्रवेश द्वार को सील भी किया जाएगा? यह पूर्व में ही निर्धारित हो चुका है, यह कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है और इसका हम लोग विधिवत रूप से वरीय पदाधिकारी के आलोक में पत्र भी निकाल रहे हैं और फिलहाल गेट पर से आमजन या सामान्य रूप से भी आवागमन पर रोक लगा दी गई है। जो अनुमति प्राप्त व्यक्ति हैं वही बाहर से अंदर आ जा सकेंगे।